नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी हजरत शाह तुराबुल्लाह करहे उर्सामध्ये दरगाह हजरत शाह तुराबुल्लाह उर्स कमिटी स्थापन करण्यात आली झाली। त्यामध्ये वक्त बोर्डच्या माध्यमातून टेंडर काढण्यात येते, परंतु टेंडर न करता उर्सामध्ये येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सरसगट दुकाने वक्त बोर्डाच्या माध्यमातून देण्यात यावी अशी मागणी यावेळी दरगाह हजरत शाह तुराबुल हक्क उर्स कमिटीच्या वतीने करण्यात आली आहे। यावेळी अध्यक्ष नुमानी हुसेनी कौसर, सचिव सलीम इनामदार, उपाध्यक्ष खदीर लाला, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम, सदस्य शेख इब्राहिम शेख इस्माइल, सदस्य सैयद मोहिमोद्दीन सैयद अबूझर, सदस्य मोहम्मद नईम, सहसचिव अब्दुल्ला खान अब्दुल्ला राज यांनी उर्स कमिटी मार्फत सतत चालणाऱ्या 15 दिवस उर्सामध्ये प्रत्येक ठिकाणी नजर ठेवून व्यापाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते। हजरत शाह तुराबुल्लाह उर्सने जो अपने उर्स कमेटी के तरफ से जो यहाँ कार्यालय खोले वाले और जो लोगों की सेवा करने के लिए आप यहाँ है, क्या कहेंगे माध्यम से? आपको ये पूरे जनता को ये सूचना ये इतला देते हुए हमें मसरत होती है कि हमने यहाँ के व्यापारियों की समस्या के लिए जो हजरत सैयद शाह तुराबुल्लाह के उर्स के मौके पर नुमाइश के अंदर और नुमाइश के बाहर जो दुकानें नष्ट की जाती हैं, जो लगाई जाती हैं, उनकी जो समस्या है, उनके जो प्रॉब्लम है, उनके जो मसाइल है, उनको हल करने के लिए हमने एक चैरिटी कमिश्नर में एक हजरत सैयद शाह तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सेवा भावी संस्था का रजिस्ट्रेशन किया है, जो इसी महीने के 9 तारीख को हुआ है। उस संगठन उस सोसाइटी के तहत उसमें कई मकासद है, कई उद्देश्य है, और जिसमें एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल के साथ साथ व्यापारियों के भी मसाइल को हल करने के लिए संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया है। और इस साल जो ये टेंडर दुकानों का निकाला गया है उससे व्यापारियों को नुकसान हुआ है, और जो ग्राहक है, जो परभणी के जो यात्रुकरी है, जो जायरीन है, उनको भी सामान महंगे में लेना पड़ा। जो सामान बाजार में 5 रुपये में मिलता है शहर में, वो उर्स में 10 रुपये में मिल रहा है। जो ये जो नुकसान है आवाम का, ग्राहक का, एक तो अंदर के जो नुमाइश के अंदर के जो दुकानें हैं, हमें हमारी मालूमात के हिसाब से तकरीबन 300 दुकानें खाली हैं, और नुमाइश के बाहर के जो दुकानें हैं वो तकरीबन 200 दुकानें खाली हैं। इसमें फ़ायदा ज़रूर औकाफ का हुआ है, लेकिन व्यापारियों का और ग्राहक का नुकसान हुआ है। जो व्यापारी आ गए थे, जिन्हें नहीं मालूम था कि टेंडर हुआ है, वो मजबूरी में दुकानें खरीद लिए, और टेंडर के मुताबिक जो हमारे नॉलेज में है कि 12,000 रुपये GST के साथ भाड़ा या किराया वसूल करना चाहिए, लेकिन यहाँ सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा 3-4% ये लोगों से किराया वसूल किया जा रहा है। उसी की वजह से कई व्यापारी यहाँ से वापस गए, इसका नुकसान व्यापारियों को भी हुआ और हमारी इत्तला के मुताबिक गुत्तेदारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भी हमारे हिसाब से फ़ायदे में नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं औकाफ से कि आइंदा साल टेंडर का जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए और व्यापारियों को कम से कम किराए में दुकानें दी जाए, ताकि उर्स जो तो शाया निशान भर सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी यहाँ पर आकर इस फेस्टिवल का फ़ायदा उठाएं और अब 2 पैसे कमाने का उन्हें मौका मिले। शुक्रिया। उदास परभणी जिल्ह्याचे राष्ट्रीय एकात्मताचे प्रतीक असलेले सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह आले यांचा दरवर्षाप्रमाणे उर्स भरत असतो। या करोना काळखंडामध्ये 2 वर्षापासून उर्स भरण्यात आलेला नव्हता, यावेळी भरण्यात आला, परंतु जिल्हा वक्फ बोर्डानी व काही राजकीय मंडळींनी हस्तक्षेप करून व्यापाऱ्यांची लूट झालेली आहे।
कारण की 3700 ला जी पावती भेटत होती ती पावती 14200 प्लस काय असं ऐकण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे व्यापारी वर्ग सध्या नाराज आहे आणि ते टेंडर पद्धतीची चुकीची पद्धत अक्कापोटांची काढली, ते काढायला नको पाहिजे होती, ते काढल्यामुळे नुकसान झालं। दुसरी गोष्ट अशी की 12 वस्तू दरवेळेला 4 ते 5 वस्तू ऊस चालू होता, कायद्याची बाब आहे, परंतु कोरोना हा गेलेला आहे। सचसच विवेक बुद्धीचा विचार करून प्रशासनाने 2 वाजता 3 वाजता 4 वाजता सकाळपर्यंत ऊस ठेवायला पाहिजे होता। आता प्रत्येक जत्रा यात्रा होत आहे आणि इथंच का प्रशासन भी एक अलमुटपणाचे धोरण राबवित आहे आणि इथं बोलायला कोणी लोकप्रतिनिधी बोलत नाही प्रशासनाला भी, ती एक बाब एक खंताची आहे। त्यामुळे या ऊसासाठी जे काही भाविकांची जे भ्रमनिराश झाला, देशभरातून आलेले व्यापारी श्रद्धाळू यांचा भ्रमनिराश किमान पुढच्या वर्षी तरी होता कामा नये, त्यासाठी आम्ही पुढील वर्षी हे टेंडर होऊ देणार नाही। त्यासाठी आम्ही एक व्यापारी असोसिएशन ही संस्था स्थापन केली आहे, त्या माध्यमानुसार आम्ही कार्य करणार आहोत। धन्यवाद। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं, पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।